प्रखंड पिहोवा के विभिन्न गांवों के मनरेगा मजदूरों ने आज पिहोवा चौक पर इकट्ठा होकर सरकार के बीडीपीओ के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मनरेगा मजदूरों का कहना था कि हम मजदूरों को मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, सरकार वह रोजगार नहीं दे रही है। मजदूरों ने जिस रोजगार की सरकार से मांग की थी, वह रोजगार अभी तक नहीं दिया गया है। मनरेगा मजदूर यूनियन के जिला प्रधान नरेश कुमार ने कहा, सर हम खंड पिहोवा के विभिन्न गाँव के मजदूर हैं और इन गाँव के मजदूरों को मनरेगा के तहत 100 दिन का जो रोजगार मिलना चाहिए वो सरकार दे नहीं रही है। गांव से अनसर के मजदूरों ने फरवरी मास में काम की मांग की थी, लेकिन अब तक उनको काम नहीं दिया गया। दोबारा फिर उन्होंने 22/7/2019 से मनरेगा मजदूरी की डिमांड की है, लिखित में डिमांड है, तो मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। कड़सा के गाँव के मजदूर यहाँ पर आए, उन मजदूरों को वहाँ काम चला हुआ है, लेकिन उन मजदूरों को मेट अपनी मन मर्जी से काम नहीं दे रहा है। यानी जो उसके चहेते हैं या सरपंच के चहेते लोग हैं उनको काम दिया जाता है। इस बारे हम पहले भी बीडीपीओ को कई बार मिल चुके हैं, लेकिन मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ये समस्या किसी एक गांव की नहीं है, ये समस्या लगभग सभी गाँव की ऐसे ही है। और बार बार ये जो मनरेगा का कानून है इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कानून अनुसार 15 दिन में काम दिया जाना चाहिए। अगर काम ना दे सरकार तो बेरोजगारी भत्ते का मजदूर हकदार है, लेकिन मजदूर को ना काम दिया जा रहा है ना ही बेरोजगारी भत्ता।